अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अर्थ पर अब तक का सबसे ओल्डेस्ट लिविंग क्रिएचर जो कि आज भी जिंदा है वो कौन है, तो आप लोग क्या कहेंगे? चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। अगर हम लोग इंसानों की बात करेंगे तो ये रिकॉर्ड है जापान की एक लेडी के पास जिनका नाम है केन तनाका। उनकी उम्र है 118 साल। लेकिन इनसे भी कहीं ज्यादा ओल्ड है एक कछुआ जिसका नाम है जोनाथन, जो कि 1832 में पैदा हुआ था। जी हाँ गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं, 1832 में वो कछुआ पैदा हुआ था जो कि आज के टाइम पे 189 इयर्स का है, जिसकी देखभाल सेंट हेलेना की सरकार कर रही है। गाइस आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा? गाइस आपने गौर किया होगा कि आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जिनके बहुत सारे दोस्त होते हैं और आप लोग ये सोचते हैं कि काश इतने दोस्त मेरे भी होते, पर सवाल ये है कि आखिर इतने दोस्त बनते कैसे, दोस्त बनाए कैसे जाते हैं, उसके तरीके क्या हैं? देखिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक स्टडी के अनुसार ये कहा गया है कि अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और उस बातचीत में आप सिर्फ 20% ही बोलें लेकिन 80% उसकी बातों को सुने, तो वो बंदा शायद आपका दोस्त जल्दी बन जाएगा। लेकिन उसकी बात को सुनने के लिए नहीं सुनना है, उसकी बात पे गौर भी करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस आपको ये ट्रिक कैसी लगी? 21वीं सदी का इंसान तरक्की तो बहुत कर रहा है लेकिन उसकी मॉरल वैल्यूज घटते जा रही हैं। मान लीजिए कि अगर ऐसे ही किसी का सामान कहीं पे छूट जाए या फिर किसी दुकान पर दुकानदार का ध्यान थोड़ा सा भी भटक जाए ना, तो लोगों का ईमान डोल जाता है और बहुत से केसेस में तो चोरियां भी हो जाती हैं। लेकिन मिजोरम में ऐसा नहीं है। मिजोरम में आपको बहुत सी ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जहां पर दुकानदार होते ही नहीं है। वहां पर सामान जरूर होता है और उनपे प्राइजेस लिखे होते हैं, और अगर आपको वो सामान चाहिए तो आप सामान लीजिए और उसके बदले में जो पैसे हैं वो पास में रखे मनी बॉक्स में डाल दीजिए। इस संस्कृति को नगलो डावर संस्कृति कहते हैं और ये ट्रस्ट के प्रिंसिपल पर काम करती है। गाइस क्या आपको भी ये लगता है कि आपकी सिटी में विश्वास का ऐसा व्यापार चल सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।